कष्ट देने वाली खबर समझ। मुन्ना बजरंगी के बाद मुख्तार का सबसे भरोसेमंद शूटर यही था जीवा। जीवा की कहानी बड़ी विचित्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला ये गरीब परिवार का बच्चा था। लखनऊ के कैसरबाग स्थित कोर्ट में बुधवार दोपहर पेशी पर आए बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे। कोर्ट के अंदर 9mm की पिस्टल से 5-6 राउंड फायरिंग की गई। हमले में जीवा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे और दो पुलिस कर्मियों को गोली लगी। पर क्या आपको पता था कि जीवा डरा हुआ था? उसे अपने मौत का अंदाज पहले ही हो गया था। जीवा जेल में बंद था और जब से योगी सरकार आई तब से जीवा के ऊपर भी शिकंजा कस गया। जीवा की करोड़ों रुपए की संपत्ति शासन ने कुर्क कर ली। उसके तमाम जो संपत्तियां बिखरी हुई थी, जो अवैध अपराध के ढंग से कमाई गई थी, अपराध के बल पर कमाई गई थी, उन सबको शासन ने खुर्द बुर्द कर दिया। जेल में था, लेकिन जेल में भी बताने वाले बताते हैं कि जीवा पूरा दरबार लगाकर चलता था, रहता था। उसके लिए वो सब तमाम सुविधाएं वहां मुहैया होती थी जो किसी आलीशान घर में व्यक्ति को मिलती है। वो जीवा आज मारा गया। पुलिस से आंख मिचौली के बाद आखिरकार संजीव जीवा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कोर्ट ने बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त की हत्या के लिए उसे आजीवन कैद की सजा सुनाई। फिलहाल संजीव जीवा लखनऊ सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। मुन्ना बजरंगी की बागपत में हत्या होने के बाद दूसरों को अपनी दहशत से डराने वाला संजीव जीवा खुद डरने लगा था। कोर्ट में उसकी पत्नी ने जीवा की सुरक्षा के लिए गुहार भी लगाई थी। संजीव जीवा की शामली में 21 बीघा जमीन प्रशासन ने कब्जे में ले ली। संजीव जीवा के साथ काम करने वाले उसके सभी साथी आज या तो जेल में या यमराज के पास पहुंच चुके हैं। संजीव जीवा जैसे तमाम माफिया इस समय जेल में खुद को सबसे महफूज मान रहे हैं।